ऊंट को पहाड़ के नीचे तो आना ही होता है। थोड़ा हिस्टोरिकल पसमंजर में आप देखिए, 1947 में पाकिस्तान जो बना था वो भी आतंक के कारण और आतंक के द्वारा बना था। वो कोई पीसफुल मूवमेंट नहीं थी, किसी की भलाई के लिए मूवमेंट नहीं थी, वो बेईमानी थी और आतंक था। तो इनकी फिलॉसफी ही रही है कि हम आतंक के दम पे इन्होंने अपना देश बनाया, आतंक के दम पे ये अपनी इकोनॉमी चलाना चाहते थे। और एक बहुत टिपिकल टर्म मैं बोलूँगा, 1960 के डिकेड्स में जब हमारे देश की, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2-2.5% होती थी, तो ये इसको बोलते थे कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है और मजाक उड़ाते थे। आज इनकी इकोनॉमी को मैं बोलूंगा कि मुस्लिम इकोनॉमी ग्रोथ रेट वो है जहां पे डॉलर 250 के ऊपर हो गया है, जहां पे इनको, इनकी डेप्ट देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, गोश्त नहीं है। तो ये जो कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, पूरी इनकी इकोनॉमी, पूरा इनका सिस्टम हमेशा आतंकवाद, ताकत, तलवार के जोर पे बनी है। और कब तक ये रहेगा? अब भाई देखिए, हमारे यहाँ अगर ये भारत में इन्होंने आतंकवादी भेजा, वो सांप जो इन्होंने पाले थे इन्होंने भारत के ऊपर छोड़े, तो भारत तो ऐसी भूमि है जहाँ राजा जनमेजय ने नागदाह यज्ञ भी किया था। हमारे पास विद्या है कि दुनिया भर के नागों को, आतंकवादियों को हम मार सकते हैं। हिस्टोरिकली हमने किया है, हम अब भी कर रहे हैं। अब ये आतंकवादी इधर तो भेज नहीं पाएंगे, वो सारे नाग अब इन्हीं को डसेंगे। और इसके एग्जाम्पल है जो अभी ये बम ब्लास्ट हुआ, और ये बम ब्लास्ट केवल ऐसे नहीं कि मस्जिदों में होगा, हर घर में हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमी का बम फूट रहा हो, चाहे पेट्रोल का, चाहे बिजली के बिल का। मेरे पास एक डेटा है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 22 सालों में 15,997 यानी कि करीबन 16,000 आतंकी हमले हुए। इन हमलों में 28,918 लोग, और फरमाइएगा जरा, 28,918 लोग कहां के? पाकिस्तान के मारे गए।